दोस्तों, आज भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और जैसे ही रशिया ने भारत को अपना माल सस्ते दामों में देना बंद किया, भारत ने भी रशिया की डील छोड़कर अमेरिका से भारी भरकम मात्रा में माल उठाना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत ने दुनिया भर के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रशिया के साथ दोस्ती निभाई और रशिया का कच्चा तेल खरीदा, जबकि इसे लेकर पश्चिमी देश भारत के ऊपर भड़के और भारत की आलोचना भी हुई। और भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को कमज़ोर नहीं होने दिया। परंतु अब यहाँ खबर निकलकर सामने आई है कि रशिया ने अब भारत को अपने कच्चे तेल के ऊपर डिस्काउंट देना बंद कर दिया है और मात्र $4 पर बैरल का डिस्काउंट रशिया भारत को दे रहा है। वहीं पर कच्चा तेल ढोने का जो भाड़ा है वो भी दुगनी कीमत के अंदर रशिया की तरफ से भारत से वसूला जा रहा है। और कुल मिलाकर जब रशिया की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है, तो भारत ने भी रशिया को छोड़कर अमेरिका के साथ अपने कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। और जून महीने में अमेरिका से भारत का कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बढ़कर 62% हो चुका है। और आज हम हर दिन 2,24,000 बैरल कच्चा तेल अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, जो कि पिछले महीने 1,38,000 प्रति बैरल था। वहीं पर रशिया से जो कच्चा तेल 19,60,000 बैरल हर दिन भारत आया करता था, वो अब घटकर 17,98,000 बैरल हर दिन बचा है। यानी एक प्रकार से रशिया से डिस्काउंट खत्म होने के पश्चात रूस का कच्चा तेल छोड़ भारत ने अमेरिका से माल उठाना शुरू कर दिया है। वैसे आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।